खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ज़ायरा वसीम के संन्यास पर अब सियासी जंग। एसपी सांसद का अभिनेत्रियों पर विवादित बयान। किसी भी धर्म में सिर्फ इस्लाम ही नहीं, औरतों को अपने जिस्म की नुमाइश करना मना है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने दिया ज़ायरा का साथ। बात हकीकत है कि मजहब इस्लाम में फिल्मों को बिल्कुल भी, जाहिर सी बात है, पसंद नहीं किया गया है, और जो भी जिन भी एक्ट्रेस ने ये डिसीशन लिया है ये उनका अपना फैसला है। उन्होंने अपनी, हम समझते हैं कि अपने जमीर की आवाज पर ये फैसला लिया है। ज़ायरा पर सुर्खियां बटोरने का भी लगा आरोप। ज़ायरा वसीम बार बार इस बात को लेकर, कभी कट्टरपंथियों को लेकर के साहब मुझे मौलाना धमका रहे हैं, कभी कहते हैं कि साहब मुझे जान से मारने की धमकी दे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए इस तरह की बातें करती रहती हैं। बीजेपी ने ज़ायरा के फैसले पर उठाए सवाल। बड़ी तादाद में पूरे दुनिया के इस्लामिक मुल्कों में भी लोग फिल्मों में काम करते हैं, प्रोफेशन है। इंडिया में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग फिल्मों में काम करते हैं, वो काम है उनके। ज़ायरा वसीम पर फूटा रवीना टंडन का गुस्सा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ दो फिल्मों में अभिनय करने वाली इस इंडस्ट्री के एहसानों को नहीं मानती, बस चाहती हूँ कि वो शिष्टाचार के साथ बाहर जाए और अपने उल्टे रास्ते वाली सोच अपने साथ ले जाए। मजहब नहीं सिखाता फिल्मों में काम करना।